आज के फनकार। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है। हम प्यार में जलने आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन को। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।
कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का। फिर वही शाम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत, जमीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। जमीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है ये सितारे। ऐ रात इस वक्त दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो के ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में
बसा के भुला तो न दोगे। मंजिल गले से लगाने इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। जमीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। फिल्म जेलर, फिल्म देख कबीरा रोया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। हमसे आया न गया। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई। घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई। एक इशारा हुआ, दो हाथ बढ़े बात हुई। देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई। वो समा आज तलक दिल से भुलाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे भुलाया न गया। हमसे आया न गया। मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना। नजरें उठा के जरा देख ले, पर्दा हटा के जरा देख ले, क्या क्या किया है हमने तेरे लिए। नजरें उठा के जरा देख ले, पर्दा हटा के जरा देख ले, क्या क्या किया है हमने तेरे लिए। संगीतकार मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने मदन मोहन के संगीत का संकलन किया फिल्म वीर सारा में। तेरे लिए हम भेजी होंठों को सी, तेरे लिए हम भेजी हर आंसू पिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए
के बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें ज़रूर लगा। और इसकी वजह भी हैं, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया। जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फ़ोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूँगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद। इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाए के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए। अपने जिया की माई रे मैं बस कहूँ कि अपने जिया की माई रे डगर में बैठे मेला हुआ री मेरा आंच रहा मुखड़
का फीका नैनों में सोहे नहीं काज राय कोई जब देखे मैया पीत कवा से कहूँ माजरा फीकी डगर में बैठे मेला हुआ री मेरा आजरा लेकिन मैं जैसे कह रहा था इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे मैं 6 साल का था तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे मैं जैसे काम छोटा था तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे समझ नहीं आया कुछ इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी भाई रोको गाड़ी रोको पुलिस आ रही है क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है। दो जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की धड़कन ठहर जा गीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत। कर चले हम पिता अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया। सन 1975 जुलाई का भीगा भीगा मौसम जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। हम सफर साथ
अपना छोड़ चले रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले हम सफर साथ। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार मदन मोहन पर। लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो शायद फिर से शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।